हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों का जीवन साथी कैसा होता है, उन लोगों को कैसा जीवन साथी प्राप्त होता है, उस इंसान का पर्सनालिटी कैसा होता है, वो इंसान अंदर से बाहर से कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर्स, उनका लॉयलिटी एंड आपके साथ उनका कंपैटिबिलिटी, उनके नेम के इनिशियल्स, हम ये सब डिटेल में चेक करने वाले हैं। एंड वृश्चिक राशि वालों के लाइफ में लव मैरिज होने के चांसेस कितने रहते हैं, अरेंज मैरिज होने के चांसेस कितने रहते हैं। एंड साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अभी अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, किसी को पसंद करते हो, तो उनके साथ क्या आपका मैरिज होगा, आपके साथ उनका क्या विवाह होगा एंड होने का चांसेस कितना रहेगा। ओके, सो यस, पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि वृश्चिक हैं यानी कि स्कॉर्पियो हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। बेहद ज़्यादा खूबसूरत कार्ड्स आ चुके हैं गाइस, बेहद ज़्यादा। ओके, सो आप अभी लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन से बिलोंग क्यों ना कर रहे हो, मतलब कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, आप सभी के लिए हैं ये रीडिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड पर्सन हैं, वो लोग अपने पर्सन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर जान सकते हैं, बाकी जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो ये रीडिंग है ही। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आज साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। वॉट इज साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बेहद ज़्यादा हाई है गाइस, बेहद ज़्यादा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना, उस इंसान का जोडियक साइन मुझे दिख रही है, मैक्सिमम वाटर साइन के ही होने वाला है। मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई एक जोडियक साइन के इंसान ज़रूर होने वाले हैं, एंड बहुत कम चांसेस हैं कि आज साइन में से हो सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा शुभ कॉम्बिनेशन माना जाता है शादी के लिए स्कॉर्पियो के साथ। मतलब कि वाटर से वाटर एंड वाटर से अर्थ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे के फीलिंग्स को ना शेयर कर पाते हैं। तो ओवरऑल कार्ड्स भी अच्छे दिख रहे हैं, वाइब्स भी अच्छा मिल रहा है। तो देख लेते हैं क्या है। देखो स्कॉर्पियो वालों को, वृश्चिक राशि वालों को जैसा जीवन साथी प्राप्त होता है ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा मासूम किस्म के होते हैं। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिल के सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं एंड क्यूट से पर्सन होते हैं। बेबी लाइक नेचर इनके अंदर भर भर के आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग उतना ज़्यादा पेचीदा नहीं होते हैं। चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से देखना पसंद करते हैं, सिंपल तरीके से सोचना पसंद करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, चीज़ों को घुमा घुमा कर बोलना पसंद नहीं करते हैं एंड सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। ओके, ऐसा एक पर्सन यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड साथ ही दिख रहे हैं इमोशनल पर्सन है, बेहद ज़्यादा आसानी से हर्ट हो जाते हैं। लोगों से रिश्ता तो जोड़ते हैं, दोस्त भी बनाते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री के अंदर खुद को सीमित रखते हैं। एक्स्ट्रा दोस्ती, किसी को बेस्ट फ्रेंड बना लिया, किसी को अपना पूरी बातें शेयर कर दिया, ऐसे टाइप्स के इंसान नहीं होते, क्योंकि इन्होंने टाइम के साथ साथ सीखा ये चीज़। जब कष्ट होता है, कोई दोस्ती टूटता है, कोई अगर धोखा देता है, तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है एंड वो कष्ट बाकी लोगों को हो सकता है 10% महसूस हो, बट ऐसे लोगों को ना, मतलब कि ये इमोशनल पर्सन्स को ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि 90% महसूस होता है, जिसके वजह से ये इंसान अभी लोगों से डिटैच होते जा रहे हैं। इनका दोस्त अभी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, सोशल मीडिया से फिजिकली भी लोगों से बहुत कम मिलते हैं, अपने आप में ही खुश रहते हैं। ओके, गाना सुनते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, नेचर को इन्जॉय करते हैं एंड आर्टिस्टिक नेचर के भी दिख रहे हैं मुझे। ओके, मतलब कि कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना भी हो सकता है इस इंसान को आता हो, ऐसा भी दिख रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू मुझे दिख रही हैं, ये इंसान खुद के पैसों में इंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने फैमिली से पैसा लेकर इंजॉय करेंगे ये चीज़ इनको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से खुद कमाते हैं, खुद इंजॉय करते हैं। तो ऐसा एक पर्सन है, मतलब कि ये इंसान अबंडेंट पर्सन है, रिच पर्सन है, वेल्दी पर्सन है। एंड साथ ही दिख रहे हैं पेज ऑफ कप्स के थ्रू कि इस इंसान को कुछ भी चीज़ें अचीव करने के लिए ना थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। इनका जो भाग्य है ये उतना ज़्यादा इनके साथ नहीं रहता है, ये अगर कोशिश करते हैं तब जाकर इनका भाग्य इनके साथ देता है, ऐसा एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड सेवन ऑफ कप्स के थ्रू मुझे दिख रही हैं बेहद ज़्यादा कन्फ्यूशन में हमेशा पड़े रहते हैं, किसी भी छोटे छोटे चीज़ को लेकर सोचने में बैठ जाते हैं, हर एक टाइम पर ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब कि ऐसे टाइप्स के इंसान हैं, अगर किसी दिन चिंता नहीं हो रहा है तो चिंता क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज़ को लेकर चिंता करने बैठ जाएंगे। फाइन, जिसकी वजह से ये इंसान अपने मम्मी से हो सकता है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या फिर कोई फीमेल कैरेक्टर दिख रही हैं जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एडवाइस लेते हैं एंड हेल्प भी मांगते हैं। ओके, इनको हेल्प करने के लिए इनके फैमिली सपोर्ट दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर एट ऑफ कप्स के थ्रू मुझे दिख रही हैं इंट्यूटिव पर्सन है,
इनके दिल में क्या है आप आसानी से समझ नहीं पाओगे, आपको इनको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा, ओके, देन जाकर आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एंड दिख रही है मुझे कि इनके लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ, हायर स्टडी भी किया है, साथ में जो भी काम करते दिख रही हैं मुझे, ऊँची पोजीशन पर हैं, इनका इनकम बहुत ज़्यादा अच्छा है, चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो, ओके, क्योंकि ये इंसान सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना जानते हैं। तो इस कार्ड से आप देख सकते हो ये इंसान धीरे धीरे से सूर्य की ओर मूव कर रहे हैं, इनके लाइफ के जो भी डार्कनेस था वो अभी ख़त्म होने को है, एंड ये इंसान धीरे धीरे से खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस की ओर जा रहे हैं। इनकी लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत कुछ एंटर होने वाला है गाइस, एंड ये खुशी कहीं ना कहीं आपको भी मिलने वाला है, ओके, आप दोनों एक साथ इस खुशी को एंजॉय करने वाले हो, जिसके दौरान ये खुशी दुगना होने वाला है, एंड इनके लाइफ में जो भी टेम्प्ररी चीज़ें था वो आने वाले टाइम में परमानेंट होने वाला है। ये इंसान लव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लव इनके लिए बहुत ज़्यादा खास है दिख रही है मुझे, जिसकी वजह से ही दिख रही है ये इंसान अपने सोलमेट की तलाश में है, ये अपने सच्चे पार्टनर की तलाश में है, ये खुद को बचा कर रखे हैं आपके लिए, ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है मुझे। चलिए देख लेते हैं कि ये इंसान आपके लिए कितना लॉयल है, कितना ऑनेस्ट है, ओके, एंड आपके साथ इनका मुलाकात कब तक हो जाएगा अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो, देख लेते हैं। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड, वाओ, शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस, शादी बहुत ही ज़्यादा स्मूथली एंड खूबसूरत तरीके से बनती हुई दिख रही है, एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ ये चीज़ें होने वाला है। थ्री ऑफ वांड्स, एंड यहाँ पर टेन ऑफ कॉइन्स, आप दोनों का एक बिग फैमिली क्रिएट होने वाला है, एक से ज़्यादा बच्चा तो डेफिनेटली होने वाला है आप दोनों का ही, आप दोनों ही हो सकता है, दो बेबी लो आफ्टर मैरिज या फिर तीन लो, बट एक नहीं दिख रही है, एंड दिख रही है कि आप दोनों का प्यार ना बुढ़ापे तक चलेगा, आप दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करोगे आफ्टर मैरिज कि आप दोनों को लगेगा ही नहीं कि शादी होकर इतने साल गुजर गए हैं, मतलब कि प्यार कितना सच्चा होगा ये आप समझ लो, ओके, एंड ये इंसान आपके लिए बेहद ज़्यादा लॉयल होने वाले हैं। सिर्फ ये इंसान नहीं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल दिख रहे हो मुझे, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनते हुए दिख रहे हो, एंड साथ ही ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन दिख रही है मुझे। देखो ये जो थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड है ना, ये एंडलेस रोमांस की बात करता है, आपकी प्यार में, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्यार जितना रहेगा रोमांस भी उतना ही रहेगा। यहाँ पर लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज की चांसेस 50-50 दिख रही हैं, एंड मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि आप जिसको प्यार करोगे, जिसको पसंद करोगे ना, उस इंसान के साथ ही आपका शादी होने वाला है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके मन के मुताबिक होने वाला है, एंड जिसकी ही वजह से आप दोनों का प्यार इतना लॉन्ग टाइम का परमानेंट होने वाला है। एंड देखो अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो मुझे दिख रही है कि आपके साथ आपके जीवन साथी का मुलाकात कहीं ना कहीं अभी से लेकर 10 हफ्तों के अंदर होने वाला है, आपके जीवन साथी आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे, ओके, एंड देख लेते हैं ये इंसान दिखने में कैसे होंगे, एंड आफ्टर मैरिज आप दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, एंड साथ में उस इंसान की तरफ से कुछ और बातें देख लेते हैं, ओके, सो यहाँ पर द स्टार, वाओ, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस, मुझे दिख रही है कि आपका विश फुलफिलमेंट वो इंसान है, एंड उनका विश फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं आप होने वाले हो, ये शादी आप दोनों का ही डिज़ायर्स फुलफिल करने वाला है, ओके, द लवर्स का कार्ड, वाओ, ऐसा अभी तक किसी भी जोडियक के लिए नहीं आया है, सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखो ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं, अगर लड़का है तो डेफिनेटली उनके फेस पर ना डिज़ाइंस किए हुए दाढ़ी मूछ आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड अगर लड़की हैं तो फिगर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, एंड साथ में दिख रही हैं कि ये इंसान सांवला या फिर सांवली हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फेयर कम्प्लेक्शन की भी दिख रही हैं, लड़का एंड लड़की दोनों के लिए ही हाइट मुझे 5 से 6 फिट के अंदर दिख रही हैं, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आफ्टर मैरिज आप दोनों का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एंड आपके जो पर्सन होने वाले हैं ना वो घर को बहुत ज़्यादा अच्छे से सजाने वाले हैं, घर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं, आपके परिवार के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, साथ ही ये इंसान अपने करियर को लेकर भी व्यस्त रहने वाले हैं, मतलब कि मल्टी टैलेंटेड इंसान होने वाले हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाले हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाले हैं, आप दोनों का मेंटालिटी काइंड ऑफ सेम होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स ना बहुत कम होती हुई दिख रही हैं,
बट छोटा मोटा जो झगड़ा होता है प्यार को लेकर कि टाइम नहीं दे रहा है, घुमाने नहीं ले जा रहा है, तो ऐसे टाइप्स के छोटे मोटे प्यार को लेकर झगड़ा वगैरह होता रहेगा, बट ये चीज़ आप दोनों को और ज़्यादा करीब लाएगा। ओके, क्योंकि आप दोनों ट्वाइन फ्लेम एनर्जी से बिलोंग करते हो या फिर सोलमेट एनर्जी से डेफिनेटली हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन दिख रही है मुझे। अगर लड़की है तो सफ़ेद एंड ब्लू को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, एंड अगर लड़का है तो ब्लैक एंड फ्रेड ग्रीन कलर को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, ये एक चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड जो लोग अभी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, उन लोगों का शादी काइंड ऑफ मुझे दिख रहे हैं कि अभी से लेकर 6 महीने के अंदर या फिर 17 दिन के अंदर फिक्स्ड हो सकता है। ओके, ये एक चीज़ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं नेम इनिशियल्स उस पर्सन के क्या क्या होने के चांसेस हैं। ओके, सो यहाँ पर है QUCWOVYRXGBKAHS। ओके एंड ओके LPF, फाइन। सो यस, यही नेम इनिशियल्स हैं उनका। ये लेटर्स उनके नेम के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, उनके नेम के अंदर भी रह सकता है, कहा नहीं जा सकता। सो यस, यही है आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। सो थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।